बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं। हाउ आर यू किड्स? होपफुली यू आर फाइन। लेट्स स्टार्ट आर लेक्चर। टेक आउट योर साइंस रीडिंग बुक एंड ओपन इट। यूनिट नंबर 3, द प्लांट वर्ल्ड एंड पेज नंबर 24। बेटा आज हमने इसका जो है सेकंड पार्ट पढ़ना है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पहले हमने इस यूनिट में क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ प्लांट, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लांट जो हैं हमने बहुत सारी पढ़ी थी। एक हमने सबसे पहले जो पढ़ी थी उसमें था फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि सम प्लांट्स ग्रो टॉल एंड सम प्लांट्स स्टे शॉर्ट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मिट्टी में ग्रो करते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, ठीक है। मतलब हमने इसकी जो है 3 टाइप्स पढ़ी थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो ट्रंक्स होते हैं वो ट्रीज़ के होते हैं और जो स्टेम्स होती हैं वो वीक जो प्लांट्स होते हैं उनकी होती हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ना है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं? मतलब आपको पता है कि एक पौधे के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं? एक पौधे के मेन पार्ट्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। एक होते हैं उनकी रूट्स, सेकंड होते हैं उनके लीव्स और फिर उनकी होती है स्टेम, ठीक है। जैसे आपको अगर ये पिक्चर आप देखें तो इसमें सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है हमें? रूट्स, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की एक लाइन आपको नज़र आ रही है, ये क्या है? इसकी स्टेम है, ठीक है। ये स्टेम है इसकी और ये इसके लीव्स हैं, ठीक है। बेटा ये जैसे पौधा हम जैसे हम बीज डालते हैं सॉइल में तो फिर वो ग्रो अप होता है, तो फिर क्या होता है कि पहले जो है एक छोटा सा पौधा निकलता है उसमें से, ठीक है। उस पौधे की जड़ें बनती हैं, नाजुक नाजुक सी जो हैं रूट्स उसकी बनती हैं। रूट्स जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं वैसे वैसे प्लांट भी हमारा बड़ा होने लगता है, ठीक है। इसमें जो है रूट्स का अपना जॉब है, प्लांट्स लीफ जो है अपना जॉब कर रहे हैं और स्टेम जो है अपनी जॉब कर रही है, ठीक है। हर पौधे में उसके हर हिस्से में एक सेट ऑफ जॉब होता है जो उस प्लांट को हेल्दी रखने में उसकी हेल्प करता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि रूट्स क्या काम करती हैं, स्टेम क्या काम करता है, फ्लावर क्या काम करता है और कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टोर की जाती है, जैसे वाटर है या उनकी खुराक है जो उनको भरने में हेल्प करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है। वो अपने आप को बढ़ाने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए अपनी खुराक जो है ख़ुद बनाते हैं, जबकि हम जो हैं उन पे डिपेंड करते हैं, हम उन पे इन्हिसार करते हैं अपनी खुराक के लिए, हम उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं। अगर पौधे नहीं होंगे तो हम अपनी खुराक नहीं ले सकेंगे, मतलब हमें खुराक नहीं मिल सकेगी। और अगर हम बात करें पौधों की तो पौधों को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, वो किसी से भी अपनी जो है फूड नहीं लेते, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं बेटा रीडिंग। आपने मेरे साथ साथ जो है रीड करना है, बहुत ध्यान से सुनना है और मीनिंग्स भी आपने साथ साथ नोट डाउन करने हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है मुश्किल ना हो बाद में पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू विल लर्न इट विद स्पेलिंग, ओके। स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधे के हिस्से। प्लांट मीन पौधा, पार्ट्स मीन हिस्से, ओके। कम टू द फर्स्ट लाइन। द फ्लावर इज वेयर सीड आर मेड एंड स्टोर, ठीक है। फूल वो जगह हैं जहाँ पर बीज बनाए जाते हैं और ज़खीरा किए जाते हैं, ठीक है। फ्लावर के ऊपर लिखेंगे फूल, सीड्स मीन बीज, मेड मीन बनाए, स्टोर्ड मीन ज़खीरा करना या जमा करना, ठीक है। ये देखें नीचे पिक्चर में देखें बेटा, यहाँ पे आपको एक फ्लावर बना हुआ नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ब्राउन ब्राउन से कलर का है, ये ब्राउन कलर जो है दरअसल ये सीड्स हैं इसके, ठीक है, ये फ्लावर के सीड हैं। वही बात आ गई ना उसी लाइन वाली कि द फ्लावर इज़ वेयर सीड आर मेड एंड स्टोर, मतलब फूल वो जगह हैं जहाँ पर बीज बनते हैं और ज़खीरा किए जाते हैं, मतलब इकट्ठे कर लिए जाते हैं वहाँ पे, फिर जब हमें नीड होती है उसकी तो फिर हम उसको वहाँ से ले लेते हैं,
आगे है जी, द स्टेम सपोर्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक द स्केलेटन इन एन एनिमल। ठीक है, वो बता रहे हैं कि तने जो हैं पौधे को इस तरह से सहारा देते हैं जिस तरह एक जानवर को उसका स्केलेटन। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि स्टेम जो हैं वो प्लांट्स के स्केलेटन होते हैं, कि मतलब उनको खड़ा रखते हैं। जो हमारा स्केलेटन है, अगर आप एक इंसान का स्केलेटन देखो, आप अपना स्केलेटन देखो, तो वो हड्डियाँ हैं ना, ठीक है, उसके ऊपर जो है आपका स्किन है, तो वो स्किन से अगर हड्डियों को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, वो स्किन वैसे ही रहेगी जैसे अभी नज़र आ रही है? नहीं, वो एक ढेर बन जाएगा। ठीक है, वो जिससे हम खड़े हो सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, हमारी एक शेप है, ठीक है, वो शेप हमारी ख़त्म हो जाएगी, हमारा उठना बैठना खड़े होना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो हम सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा रह जाएंगे। ठीक है, हमारे में वो चीज़ नहीं रहेगी कि हम हमारी एक शेप नज़र आएगी, हमारी बोन्स हैं तो हमारे जो हैं शेप में हमारे बनाने में हमारी मदद करती हैं। इसी तरह स्टेम्स हैं तो वो पौधे को खड़ा रखते हैं, पौधे को उसको जो है सहारा देते हैं। ठीक है, स्टेम के ऊपर आप लिखेंगे तने, स्पोर्ट्स के ऊपर लिखेंगे सहारा, पार्ट्स हिस्से, स्केल्टन ढांचा। देन नेक्स्ट लाइन, द स्टेम आल्सो मूव्स वाटर टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब वो कह रहे हैं कि तने जो हैं पौधे को, पौधे के दूसरे हिस्सों में जो है पानी को पहुंचाने में मदद करते हैं। अब देखो, अगर आप इसको गौर से देखो तो ये एक पाइप टाइप बना हुआ है, ठीक है, ये पाइप है इसका, ये समझ लें कि ये पाइप है। इस पाइप के ज़रिए जो है पानी बाकी हिस्सों तक जाता है, मतलब लीव तक जाता है, उसकी जो है फ्लावर तक जाता है, जहाँ पे उसने बीज बनाना होता है और उसको जमा करना होता है। ठीक है, अगर पानी असल में इसको मिलता कहाँ से, इसकी रूट से मिलता है, ये रूट से पानी लेकर लीव्स तक और बाकी हिस्सों तक पहुँचाता है। ठीक है, मतलब वो एक पाइप है जो पाइप के ज़रिए पानी इधर से दूसरे हिस्सों तक पहुंचता है, जैसे हमारी बॉडी में छोटी छोटी बारीक बारीक नालियां हैं ना, इसी तरह इनमें भी ये आप कह सकते हैं कि इनका पाइप है और ये इसको जो है पानी पहुंचाता है। नेक्स्ट लाइन पे आएँ, द रूट्स सपोर्ट द प्लांट इन द ग्राउंड। ठीक है, पहले हमने बेटा बात की फ्लावर के बारे में, फिर हम स्टेम के बारे में बात कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं रूट्स के बारे में, कि रूट्स जो हैं ज़मीन में पौधे को सहारा देती हैं, मतलब वो ज़मीन के साथ जुड़े रहने में उनकी मदद करती हैं, उनको पकड़ने में, उनको जो है ग्रिप रखने में जो है सहारा देती है पौधे को। रूट्स के ऊपर आप लिखेंगे जड़ें, जी मड़े ये नून, जड़ें स्पोर्ट्स सहारा, ग्राउंड ज़मीन। ठीक है, पौधे को जो है वो जड़ें ज़मीन में रहने के लिए सहारा देती हैं। आगे है जी, द रूट्स आल्सो टेक इन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब जो जड़ें हैं वो ज़मीन से पानी अंदर ले जाती हैं, मतलब ज़मीन से पानी लेकर वो अंदर ले जाती हैं, ताकि वहाँ से स्टेम जो है पानी उठाए और उठा के बाकी जो है पार्ट्स को सप्लाई करें। ठीक है, समझ आई? ज़मीन से पानी और जो बाकी मिनरल्स होते हैं ना, जो उसको ज़रूरत होती है पौधे को अपनी खुराक बनाने के लिए या हमारी खुराक तैयार करने के लिए, उसको जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ज़मीन से लेता है, लेके वो अपने आगे जो है रूट्स में जाता है, मतलब रूट्स उधर से कलेक्ट करती हैं, कलेक्ट करने के बाद स्टेम को देती हैं और स्टेम जो है आगे सप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से वो जो है एक हेल्दियर प्लांट बन जाता है। लास्ट लाइन पे आ जाएं, द लीव्स आर वेयर फूड इज मेड फॉर द प्लांट टू लिव एंड ग्रो। पत्ते वो जगह हैं जहाँ पर खुराक जो है बनाई जाती है। ठीक है, पौधे के लिए खुराक बनाई जाती है जो उसको ज़िंदा रखती है और उसको बढ़ाती है, उसको बड़ा करती है, उसको बड़ा करने के लिए खुराक जो है ज़रूरी है। ठीक है, पौधे को तो वो कहाँ पे बनती है? लीव्स में बनती है। ठीक है, एक बार दोबारा हम इसको देखते हैं कि फ्लावर वो जगह है जहाँ पर बीज बनते हैं और जमा किए जाते हैं, स्टेम वो हिस्सा है जो स्केलेटन के तौर पर काम करता है एक पौधे में,
और स्टेम में एक उसका दूसरा काम भी ये है, वो अपना दूसरी जॉब ये कर रहा होता है कि वो पूरे पौधे में पानी सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद रूट्स की बात की थी हमने। रूट्स जो हैं सबसे पहले पौधे को ज़मीन के साथ जोड़े रखती हैं और फिर वो उनको पानी जो है ज़मीन से लेकर आगे सप्लाई करती हैं। और फिर उसके बाद लास्ट पे हमने पढ़ा है कि पत्ते जो हैं, ये जो हमें सिंपल सा एक लीफ नज़र आता है बस, अगर आप उसको गौर से देखें तो उसके अंदर बहुत सारी जो हैं आपको लाइंस नज़र आएंगी, ठीक है। ये उसकी जो हैं आप ये कह सकते हैं कि वेन्स होती हैं, और इन्हीं वेन्स के ज़रिए जो है वो अपने फूड जो है स्टोर करता है, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ने पर वो प्लांट को देता रहता है और वो प्लांट जो है ज़िंदा रहता है, हेल्दियर होता है और ग्रो अप होता है, ठीक है।